अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास. यस्टरडे वी हैड रेड द पोएम ट्राई अगेन. इट इज़ यूनिट नंबर 3. टुडे आई एम गोइंग टू रीड आउट इट्स समरी फॉर यू. बट कीप इन योर माइंड द समरी शुड बी शॉर्ट, ब्रीफ एंड कॉम्प्रिहेंसिव. इट शुडंट बी डिटेल्ड और एक्सप्लेनेटरी, बट इट शुड कंटेन ऑल द नेसेसरी पॉइंट्स गिवन इन द पोएम. लेट अस स्टार्ट रीडिंग इट. दिस शॉर्ट ब्यूटिफुल पोएम has been written by W.E. Hickson. So it is necessary to give the name of the poet in the summary. Short and beautiful poem has been written by W.E. Hickson. Now note W.E. Hickson, prepare its correct spelling. W capital, E capital and H is also in capital letter. The poem contains a universal message in it. First of all, tell the name of the poet. Then come to the message of the poem. Then come to the message conveyed by the poet. The poem contains a universal message in it. The message of the poem is try again. So we had already read that the message of the poem is try again. The poet urges us. अब पोएट क्या चाहता है हमसे, वो ये चाहता है टू कीप दिस मैसेज ऑलवेज इन आवर माइंड, कि हम ट्राई अगेन का मैसेज जो है वो हमेशा अपने जहन में रखें. सो डैट इज़ द ब्रीफ स्टार्ट ऑफ द समरी. नाउ देन वी शैल स्टार्ट डिस्कसिंग द स्टेंजास ऑफ द पोएम. In the first stanza, the poet urges us to be steadfast and determined in our struggle. This is the main essence of first stanza. The poet urges us, poet kya chahta humse? To be steadfast, ke hum sabit kadam rahein and determined aur purazam rahein in our struggle apne jadd-o-jahd mein. We fail in the first attempt, agar hum pehli apni koshish mein nakam ho jate hain, we should not lose heart. हमें मायूस नहीं होना चाहिए. इन ट्राई अगेन, इंस्टेड वी मस्ट ट्राई अगेन. ओनली इन दिस वे, सिर्फ इस तरह से वी कैन प्रूव आवर करेज, हम अपनी जुर्रत का मुजाहरा कर सकते हैं. सो हियर आई हैव प्रिसाइज्ड द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द मैसेज ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम. देन यू कैन आल्सो एड सम काइंड ऑफ कोटेशन आफ्टर डैट. सक्सेस इज नॉट फाइनल, failure is not fatal, it is courage to continue that counts. Now this quotation is related to the first stanza, it is not out of the way. Okay, so perseverance and continuous struggle, isliye jo sabit kadmi hai, istiqlal hai aur musalsal jadojahd jo hai आर रिक्वायर्ड, उसकी ज़रूरत होती है टू कॉन्कर द ऑब्स्टेकल्स ऑन द वे टू सक्सेस, कामयाबी के रास्ते की रुकावटों पे गलबा पाने के लिए. वी शुड नॉट फील फियर फ्रॉम फेलियर, द पोएट सेज कि हमें नाकामी से डरना नहीं चाहिए. इंस्टेड इसकी बजाय वी शुड ट्राई अगेन एंड अगेन, हमें बार बार कोशिश करते रहने चाहिए. अब क्या है कि इसमें जो आपके मेन वर्ड्स हैं, यू कैन अंडरलाइन दोज मेन वर्ड्स like steadfast and determined, we should not lose heart. You should also underline the quotation and quote it with the use of inverted commas. Perseverance, moral lesson of the poem, continuous struggle is the message of the poet. And we should also underline try again and again. Okay. The second stanza. In the second stanza, the poet further motivates us. अब second stanza की तरफ आ जाते, उसमें poet ने क्या कहा था, उसमें इसने कहा था कि further वो हमें inspiration देता है, वो हमारा हौसला बढ़ाता है. और क्या कहता है वो हमें, तो try again, कि दोबारा कोशिश करें, बार बार कोशिश करें. Even if we fail once or twice, हम एक दफ़ा फेल हों या दो दफ़ा फेल हों, वी कैन मीट द फेलियर वंस और ट्वाइस, बट वी मस्ट ट्राई अगेन एंड अगेन. इफ़ वी रिमेन कॉन्स्टेंट,
Now the real essence of these lines is that if we remain constant, अगर हम मुस्तकिल रहते हैं and steady और मुस्तकम रहते हैं, अगर हम लगातार और मुस्तकम रहते हैं, we shall, तो क्या होगा, we shall prevail, आखिरकार हम गलबा पा ही लेंगे. Prevail, dominate, गलबा पा लेना, तो एक दिन आएगा कि हम गलबा पा ही लेंगे. For this, इसके लिए we have to try again, हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए, हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए. द पोइट वॉन्ट्स अस टू रियलाइज, असल में पोइट हमें ये एहसास दिलाना चाहता है, द ट्राइंग अगेन एंड अगेन मस्ट नॉट बी ह्यूमिलिएटिंग फॉर अस, कि बार बार कोशिश करना, बार बार कोशिश करना हमारे लिए इंसल्ट का बायस नहीं होना चाहिए. As he says, if we strive, it's no disgrace. So this line, this verse is taken from the poem. अगर हम जदोजहद करते हैं तो हमें इसमें कभी भी humiliation, disgrace या तो हीन महसूस नहीं करनी चाहिए. Rather बल्कि, और constant efforts will bring sweet reward to us. बल्कि क्या होगा कि जो हम मुसलसल जदोजहद कर रहे हैं उससे हमें बहुत ही अच्छा सा फ्रूट मिलेगा, बहुत अच्छा सा रिवॉर्ड मिलेगा. सो वी शुड नेवर इग्नोर द लेसन, ट्राई अगेन, इसलिए हमें कभी भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए डेट वी मस्ट ट्राई अगेन. इस तरह हम पहले फर्स्ट स्टेंजा की को समराइज़ किया है, उसमें उस पोइट का क्या मैसेज है, फिर सेकेंड स्टेंजा में बताया है कि पोइट क्या कहना चाह रहा है. यहाँ भी बेसिकली जो पोइट कहना चाह रहा है वो उसका वही कहना चाह रहा है, ट्राइंग अगेन एंड अगेन मस्ट नॉट बी ह्यूमिलिएटिंग फॉर अस. देन दिस टेक्स्ट और एक्सट्रैक्ट शुड आल्सो बी अंडरलाइंड एंड वी शुड नेवर इग्नोर द लेसन, ट्राई अगेन, इट शुड आल्सो बी अंडरलाइंड. नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स द स्टेंजा नंबर 3. इन द लास्ट स्टेंजा द पोइट वॉन्ट्स अस टू एनहेंस, अब आगे लास्ट स्टेंजा में उसमें पोइट क्या चाहता है, उसमें ये चाहता है पोइट टू एनहेंस द लेवल ऑफ आवर स्ट्रगल, कि हम अपने जदोजहद का लेवल बढ़ा दें. इफ़ आवर टास्क इज़ हार्ड, अगर हमें लगता है ना कि हमारा काम मुश्किल है तो हमें अपना स्ट्रगल का लेवल भी बढ़ा देना चाहिए. द हायर द एफर्ट्स आर, जितनी ज़्यादा हमारी एफर्ट्स होंगी, द ग्रेटर द रिवॉर्ड विल बी, उतना बड़ा हमें रिवॉर्ड मिलेगा. पैरेलल इंक्रीज, एफर्ट्स के बढ़ने से, एफर्ट्स के ज़्यादा होने से हमारे जो नंबर ऑफ रिवॉर्ड है वो भी बढ़ती चली जाती है. ट्राई अगेन विल ब्रिंग सब्लाइमर अचीवमेंट्स फॉर अस, अब द सीक्रेट, व्हाट्स द सीक्रेट बिहाइंड ऑल दीज रिवॉर्ड्स, द सीक्रेट इज ट्राई अगेन. इससे क्या होगा, ब्रिंग सब्लाइमर अचीवमेंट्स फॉर अस, इसके लिए हमारे लिए इससे क्या होगा कि हमारे लिए आला जो हैं वो रिवॉर्ड्स होंगे, अचीवमेंट्स होंगे. एंड वी शुड वेट फॉर दैट टाइम, और हमें उस वक्त का इंतज़ार करना चाहिए विद पेशेंस, सब्र के साथ. देर इज़ नो रॉयल रोड टू सक्सेस, क्योंकि कामयाबी का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता. सो द एसेंस ऑफ द लास्ट स्टेंजा हियर इज, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक द इमेज क्लियर टू यू, मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू सो डैट यू कैन नोट इट डाउन और लर्न एज यू लाइक. ओके, सो एनहेंस द लेवल ऑफ आवर स्ट्रगल इफ द टास्क इज हार्ड, मीन ए सेंस सब्लाइमर अचीवमेंट्स फॉर अस. And the quotation, there is no royal road to success, should also be underlined. The conclusion. Now come to the conclusion. In this age of competition, अब कौन सा दौर चल रहा है, मुकाबले का दौर चल रहा है, दौड़ लगी हुई है. When everyone is in the race of moving ahead, जब हर कोई आगे बढ़ने की कोशिश में है, हर कोई तरक्की करने की कोशिश में है, we should also keep pace with them, हमें भी उनके साथ कदम के साथ कदम मिला के चलना चाहिए. Keep pace with others, दूसरों के साथ कदम बद कदम चलना, दूसरों के साथ कदम मिला के चलना. इफ ऑल पीपल, अगर सब लोग जो हैं कैन डू देयर जॉब, जब सब लोग अपना काम कर रहे हैं, वी शुड आल्सो डू आवर ओन, तो हमें भी तो अपना काम करना चाहिए. वी शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, हमें हमेशा पुरउम्मीद रहना चाहिए. एंड नेवर गिव अप द आवर स्ट्रगल, और हमें कभी भी अपने स्ट्रगल को तर्क नहीं करना चाहिए.
ओनली दिस रेमेडी, सिर्फ यही वो हल है, सिर्फ यही वो तदबीर है कैन लीड अस टू सक्सेस, जो हमें कामयाबी तक लेके जा सकती है। परसेवरेंस इज़ अ ग्रेट एलिमेंट ऑफ सक्सेस, इस्तकलाल जो है वो कामयाबी का सबसे बड़ा एलिमेंट है। सो हियर द की पॉइंट इज वी शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक एंड नेवर गिव अप अवर स्ट्रगल। द समरी ऑफ द पोएम शुड बी एंडेड विद द स्टाइल ऑफ द पोएट और द लैंग्वेज ऑफ द पोएम। लाइक द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज सिंपल एंड ल्यूसिड, पोएम की जो लैंग्वेज है सिंपल भी है लेकिन क्लियर भी है। द स्टाइल ऑफ द पोएट इज़ इंस्पायरिंग, पोएट का जो स्टाइल है वो बहुत इंस्पायरिंग है एंड अपीलिंग और मोटिवेटिंग है। डेट्स इट, प्रिपेयर द समरी ऑफ द लेसन फ्रॉम वेयर एवर यू वॉन्ट टू प्रिपेयर, जहाँ से आपको ईजी लगता है प्रिपेयर करें, लेकिन आप उसमें पोएट के तमाम पॉइंट्स जो हैं वो मैंशन करें। कल हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज। ओके जी।